सुनील शेट्टी अपने दौर के एक बड़े अभिनेता के तौर पर जाने गए हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे, आज भले ही सुनील शेट्टी की गिनी चुनी फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं, लेकिन उनका स्टारडम आज भी एक बड़े सुपरस्टार जैसा ही है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि 90 के दशक में सुनील शेट्टी ने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी। उनकी छवि हमेशा से एक सफल एक्शन हीरो के तौर पर ही जानी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बलवान फिल्म करने के बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक इन्होंने एक्शन से लबरेज फिल्में की, या साफ शब्दों में कहें कि एक्शन के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी, जो छाप आज भी बरकरार है। आज भी सुनील शेट्टी के चाहने वाले उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनकी फिल्में बड़े पर्दे पर बड़े चाव से भी देखते हैं। लेकिन सुनील शेट्टी एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, जो हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के गलियारों में आपको सुनील शेट्टी से जुड़े कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां सुनने व देखने को मिल जाएंगे, जहां पर सुनील शेट्टी की दरियादिली आप जानवा सुन सकते हैं। जाहिर सी बात है, इन सब की वजह से ही अन्ना को लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं। सुनील शेट्टी की पर्सनल एवं प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में वो हमेशा से चर्चाओं के विषय में बने ही रहते हैं। फिल्मों में आने से पहले ही उन्होंने शादी कर ली थी और शादी करने के बाद उनके स्टारडम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे उनका सितारा चमकने लग गया। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई हिट फिल्में दी हैं और इन्हीं फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने 50 से 60 अभिनेत्रियों के साथ काम भी किया है। अमूमन जितना भी बड़ा सुपरस्टार होता है, उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर उतनी ही चर्चाएं की जाती हैं। एक्ट्रेस के साथ एक्टर का अफेयर होना ये आम सी बात है और बॉलीवुड के तमाम ऐसे सितारे हैं जिनके अफेयर के किस्से मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको सुनील शेट्टी और बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जिस एक्ट्रेस पर सुनील शेट्टी का घर तोड़ने का इल्जाम लगाया गया। यह एक्ट्रेस सुनील शेट्टी को इतना ज्यादा चाहने लग गई थी, लेकिन शादीशुदा हो जाने के कारण ये अभिनेत्री कभी भी सुनील शेट्टी को प्रपोज नहीं कर पाई। अब ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी अभिनेत्री है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी के साथ कई सारी फिल्मों में नजर आ चुकी ये सोनाली बेंद्रे हैं। फिल्मों में शानदार अभिनय के दम पर सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे ने खूब वाहवाही लूटी। सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे आपस में एक गहरे दोस्त भी रहे हैं। 90 के दशक में इस जोड़ी ने कई सारी फिल्मों में साथ काम भी किया और देखते देखते ये जोड़ी दर्शकों की पसंदीदा बन गई। बताया जाता है कि सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी की दोस्ती ने कुछ ही दिनों में खबरों में जगह बना ली और ऐसा माने जाने लगा कि ये रोमांटिक रिश्ता शेयर कर रहे हैं। हालांकि खबरों में ये भी बताया गया कि सोनाली बेंद्रे की वजह से सुनील शेट्टी का रिश्ता भी टूट सकता है, क्योंकि सोनाली बेंद्रे सुनील शेट्टी को मन ही मन में बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे की पहली मुलाकात फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही हुई थी। ये दोनों नए नए इंडस्ट्री में आए थे और जल्दी इनकी जोड़ी दर्शकों की पसंदीदा बन गई। सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे की लोकप्रियता का आलम यह था कि इन्होंने कुछ ही सालों में कई सारी फिल्में साथ में कर डाली और सभी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। जिन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो रक्षक, तकरार और सपूत जैसी फिल्में शामिल रही हैं। इन फिल्मों में सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। हालांकि बताया तो ये भी जाता है कि सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी जिन दिनों साथ में काम कर रहे थे, उसी दौरान इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। बताया जाता है कि इन दोनों को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये करीब आ रहे हैं। सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी की दोस्ती देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गई और अखबारों में इनके चर्चे आम हो गए। उस समय हर कोई इनकी दोस्ती के किस्से बड़े चाव से पढ़ता था। हालांकि जैसे ही लोगों के बीच में सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे के इश्क के चर्चे आम हुए, वैसे ही सोनाली पर ऐसे आरोप लगने लग गए कि वो सुनील शेट्टी का घर तोड़ना चाहती हैं। और ये खबर सुनने के बाद सोनाली बेंद्रे को भी बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो सुनील शेट्टी की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। हालांकि मन ही मन में वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन सोनाली बेंद्रे कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इनका बसा बसाया घर टूट जाए। हालांकि उस दौरान सोनाली बेंद्रे ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इन खबरों से उनकी और सुनील शेट्टी की दोस्ती में खटास आ गई थी, इनकी वजह से दोनों की निजी जिंदगी इफेक्ट होने लगी थी। सोनाली बेंद्रे ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि वो सिंगल हैं और किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। सोनाली बेंद्रे के इस बयान के बाद उनका नाम सुनील से जुड़ना बंद हो गया था। हालांकि सोनाली बेंद्रे ने बताया था कि उन्हें रात को 2 बजे कॉल आते थे कि मैं सुनील शेट्टी बोल रहा हूँ, मेरे साथ भाग चलो। सुनील ने कहा था कि लोग ये नहीं समझते थे कि ये मजाक नहीं है। हालांकि सोनाली बेंद्रे ने एक और इंटरव्यू के दौरान बताया था कि लोग उनके परिवार वालों के पास आकर कहते थे कि आपकी बेटी को अच्छा खासा रुपया मिलता है फिल्मों में काम करने के लिए, अगर वो किसी हीरो के साथ रिलेशन में है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इन बातों से सोनाली बेंद्रे परेशान होने लगी थी। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे, एक पॉपुलर वेबसाइट पर छवि खबर के मुताबिक गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सुनील शेट्टी शादीशुदा ना होते तो सोनाली के बारे में वो जरूर सोचते। गोविंदा और सुनील शेट्टी काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं।
खैर सोनाली और सुनील ने जो फैसला समय पर लिया वो बिल्कुल सही था। आज सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। अपने शानदार बॉडी व लुक की वजह से एक तरफ सुनील शेट्टी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, वहीं दूसरी ओर सोनाली बेंद्रे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे की जोड़ी आपको 90s के दौर में कैसी लगती थी? कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।